सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से खुशखबरी है, आज हमारे बीच आए सीए कशिश गुप्ता जी। अब इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा नाम है सर का और हमारे चैनल पे कई बार आ चुके हैं जीएसटी एक्सपर्ट। आज मैंने सर को बुलाया है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। सर अभी ना ऑर्डर बहुत आ रहे हैं, पहले नोटिस आता है उसका रिप्लाई देते हैं फिर ऑर्डर आ जाता है, अब उसकी अपील फाइल करने में एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है कि जब हम अपील फाइल करते हैं तो कई बार मेल पे ऑर्डर आ जाता है, कई बार कंप्लीट ऑर्डर नहीं आता, कई बार DRC 07 नहीं आता। उस केस में अपील कैसे फाइल करें और उस केस में ऑर्डर का हम क्या करें, किस डेट से माना जाए कि अपील का जो 3 महीने का टाइम है वो कहाँ से शुरू होगा, इन सारी चीज़ों को आप नटसेल में बताइए सर एक बार। सबसे पहले शुक्रिया मुझे वापस इस चैनल पर बुलाने के लिए और शुक्रिया टू द ऑडियंस ऑल्सो कि उन्होंने हमारे व्यूज़ को सराहा। सर 30,000 व्यूज़ हैं आपकी वीडियो पे, मैंने देखा है बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है सर। ऑडियंस ठीक जी, इन्हीं के लिए हम मेहनत कर रहे हैं इतनी। जी जी तो जैसा आज आपने क्वेश्चन पूछा है अपील्स का, जी अपील्स सबसे पहले GST लॉ का जो एक प्रोपागेटेड एजेंडा था कि एवरीथिंग इज ऑनलाइन, बिल्कुल, जिसको इनकम टैक्स में हम फेसलेस के नाम से जानते हैं। राइट राइट, तो हम भी उसी राह पे हैं GST में भी, लेकिन अगर प्रोपेगेटेड एजेंडा को हम लेके चलते हैं कि सब ऑनलाइन है, कहने का मतलब कि आपको ये भी फील आएगा कि ऑर्डर भी ऑनलाइन ही आना चाहिए आपको। राइट, लेकिन अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे सर्विस ऑफ नोटिस का तो उसमें लिखा कि ये इन पर्सन भी सर्व हो सकता है, ईमेल पे भी हो सकता है, राइट, और स्पीड पोस्ट के थ्रू भी हो सकता है। राइट राइट, तो इसकी इंटरप्रेशन क्या है, यही चीज़ लोगों को कंफ्यूज करती है कि ऑनलाइन क्या है और ऑफलाइन क्या है। ऐसे तो ऑफिसर सब कुछ ऑफलाइन देगा या ईमेल डाल के छोड़ देगा, जैसा आपने कहा कि ऑर्डर मेल पे आ गया या ऑर्डर कभी इन पर्सन नहीं आया। राइट, तो कभी कभी ये होता है कि ऑर्डर मेल पे आ गया और अटेंशन से वो स्किप हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ईमेल्स ऐसी होती हैं कि अपडेट नहीं होती, तो उसमें अपील का पीरियड भी एक्सपायर हो जाता है। तो लो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल पे ऑर्डर दे कि आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई है, ठीक है, लो में क्लियरली लिखा है कि अपील हैज टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड इन नो अदर मैनर। ओके बिल्कुल ठीक है, तो आप रूल 142 पढ़ें, उसमें लिखा है कि ऑर्डर के साथ समरी ऑफ द ऑर्डर भी आएगी। बिल्कुल, तो जो सर्विस ऑफ ऑर्डर का सेक्शन है कि वो इन पर्सन सर्व हो सकता है, ईमेल पे भी हो सकता है, जीएसटी पोर्टल पे भी हो सकता है, दैट मींस अबाउट द योर ऑर्डर, ऑर्डर वो ऑर्डर आपका ईमेल पे आया या आपके पास स्पीड पोस्ट होके आ गया, लेकिन उसकी जो समरी है दैट हैज टू बी मैंडेटरली इश्यूड इलेक्ट्रॉनिकली, मीनिंग देयर बाय आपके 3 लेजर्स हैं पोर्टल पे, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर और कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में जो डिमांड क्रिएट की है इस ऑर्डर के थ्रू, वो पार्ट बी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में ऐड हो जाती है। बिल्कुल, अदर देन रिटर्न्स वाली। हाँ जी, तो वो कैसे ऐड होती है, वो DRC 07 के थ्रू ऐड होती है। DRC 07 से होती है, राइट। तो वंस DRC 07 इज इश्यूड इलेक्ट्रॉनिकली इट मींस योर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर हैज बीन अपडेटेड विद द लायबिलिटीज सो टू बी रिकवर्ड फ्रॉम यू। राइट, तो वंस दैट लायबिलिटी इज ट्रिगर्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर एंड व्हेन यू क्लिक ऑन द आइकन टू फाइल अपील इट विल आस्क यू फॉर द रेफरेंस ऑफ द ऑर्डर आईडी। राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो ऑर्डर ओरिजिनल पे ऑर्डर नंबर लिखा है वो डालना है। हाँ, नहीं, उसमें आपको जो DRC 07 पे ऑर्डर नंबर लिखा है वो डालना है। और वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में डिमांड का रेफरेंस आईडी। बिल्कुल ठीक है, जैसे आप वो पुट करेंगे देन इट विल परमिट यू टू फाइल द अपील। राइट, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका, इसका नटशेल में ये आंसर है आपके लिए कि अगर DRC 07 आपका GST पोर्टल पे सर्व नहीं हुआ है, योर टाइम लिमिट टू फाइल द अपील डजंट स्टार्ट। फॉर एग्जांपल आज है 2 सितंबर, ये वीडियो 2 सितंबर को बन रही है, तो अगर आज आपके पास ईमेल पे एक ऑर्डर आया है तो आपका टाइम लिमिट है 2 दिसंबर तक का अपील फाइल करने का। राइट, लेकिन जब आप अपील ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, अगर DRC 07 ऑनलाइन नहीं है तो आपका अपील फाइल करने का टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है। आप ऑफिसर को लेटर लिखें कि इसका DRC 07 एज पर रूल 142 इशू करो पहले, ऑनलाइन अपलोड करो। जैसे ही वो अपलोड होता है फिर वहाँ से 3 महीने का टाइम आपका स्टार्ट होता है अपील फाइल करने का। और ऐसा गुजरात हाईकोर्ट ने अपहेल्ड भी किया हुआ इन द केस ऑफ गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, इसका साइटेशन है 2020
वॉल्यूम 9 TMI 1427। ओके, तो इसके रेफरेंस से आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात ये भी अगर हम करें कि जब तक हम पे DRC 07 होगा नहीं तब तक हम अपील भी फाइल ही नहीं कर पाएंगे। DRC 07 इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी सिस्टम नहीं होगा। कभी कभी होता क्या कि मैनुअल ऑर्डर में भी DRC 07 हार्ड कॉपी में दे देते हैं, लेकिन अगर DRC 07 ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि मैनुअली का भी जब हम कई बार वो नंबर डालते हैं ना अपील फाइल करने के लिए, वो लेता नहीं है वो नंबर, वो इसलिए नहीं लेता क्योंकि ऑनलाइन है नहीं ना, वो ऑनलाइन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे दर्शकों को ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई ऑर्डर पास हो गया और उसमें DRC 07 अगर आपके पोर्टल पर नहीं आया, बेशक चाहे ईमेल पे आ गया है, चाहे इन पर्सन आ गया है, चाहे कोरियर से आ गया, जैसे मर्जी आ गया है, लेकिन अगर वो पोर्टल पर नहीं आया, उसकी लायबिलिटी हमारे लायबिलिटी रजिस्टर में अगर रजिस्टर्ड नहीं हुई तब तक आप उसकी अपील नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, डिपार्टमेंट में एक लेटर लिखना है और वहाँ से DRC 07 इशू कराना है और उसे पोर्टल पे अपडेट कराना है, जिससे कि आप उसकी अपील फाइल कर ले, तभी आपका टाइम वहाँ से स्टार्ट होगा 3 मंथ्स का। तो यहाँ पर अपील फाइल करने में हमारे को ये DRC 07 देखना बहुत ज़रूरी है। और इस मेरी एडवाइस इसमें ये है कि इस एक टेक्निकल लैप्स का एट द एंड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको फ़ायदा नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपके पास ऑर्डर सर्व हो गया तो इट मींस कि यू आर हैविंग द नॉलेज कि आपके अगेंस्ट डिमांड कंफर्म। बिल्कुल, मतलब आपके ऊपर अगर ऑर्डर सर्व हो गया है तो आप ये डिले ना करें, ये प्ली ना लें कि जब DRC 07 आएगा मैं तो तभी एक्शन लूंगा। आप प्रोएक्टिवली डिमांड करें कि DRC 07 फाइल हो, कितना टाइम जाता है एक मेल लिखने में या एक लेटर बनाने में? बिल्कुल, एक लेटर लिखने में, एक मेल लिखने में कोई टाइम नहीं जाता, आप डिपार्टमेंट से DRC 07 डिमांड करें। यस, कल को आपका केस इसी ये ना हो कि SSC is sleeping over his rights। बिल्कुल, और सर ये जो जजमेंट आई है गुजरात की, तो ये हम चाहते हैं, सितंबर का एडिशन तो हमारा फाइनल हो गया है, वो हम अभी 2 या 3 दिन में दे देंगे, लेकिन अक्टूबर के एडिशन में आप हमें ये बना के दीजिए। हाँ, मैं इसका एक छोटा सा एक ब्लॉग, बिल्कुल मैं ब्लॉग्स लिख रहा हूँ, तो जी जी हाफ पेज ही लूंगा इस बार तो आपकी मैगजीन का। बिल्कुल, और सर के जो ब्लॉग्स है ना वो आप जरूर सब्सक्राइब करा लें, पक्ष लीगल के नाम से लिंक्डइन पे है, उसके नाम से ही यूट्यूब चैनल है, सर की वेबसाइट है, ये सारी चीजें आप सब्सक्राइब कर लें और सर को प्यार दे, सपोर्ट दे, ठीक है ना, जिससे कि हम सर को बुलाते रहें कि भाई सर आपका मोटिवेशन होता रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि इस वीडियो से आपकी क्या नॉलेज बढ़ी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है ना तो अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी GST पढ़ते हैं, सब लोगों को शेयर करो, इससे आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।